आज आ गए हम मिरानी कॉलोनी द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव के सबसे खास दिन पे, आनंद मेले पे। आइए आपको अपने साथ लेके चलते हैं और मजे कराते हैं। पार करके फाइनली हम एंट्री पे पहुंचे जहां पे करण औजला जी ने स्वयं हमारा स्वागत किया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। उसके अंदर गया और मैं अपने दोस्त से मिला जो दो दिन से मेरा आईडी कार्ड नहीं दे रहा था। फाइनली मैंने लिया और मैं चला गया उल्लास नगर की खास बटन पापड़ी खाने। फ्री में देने में साफ साफ भैया ने मना कर दिया, पर वीडियो बंद करने की धमकी दे के मैंने फ्री में ले ही ली वो बटन पापड़ी। दोस्तों उल्लास नगर की घटना में आज पहली बार लॉन्च हुई और बहुत ही स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। ये खाने के बाद हमने पी कोल्ड कॉफी, भैया आधा गिलास भर रहे थे बोले फ्री में, लेकिन हमने पूरा ले ही लिया उनसे। भीड़ बढ़ती गई और हम पहुंच गए गेम जोन में, जहां पे तरह तरह के गेम हो रहे थे और लकी सेवन में तो हम जीत ही गए। उसके बाद हम चले गए हमारे सबसे खास गेम कलर बॉल और मटका। इसमें एक कलर का आपको बॉल चूज करना है और अगर मटके में से आपको वो मिल गया तो आपको इनाम पक्का। बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन कोई भी नहीं जीत पा रहा था। फिर आया एक छोटा बच्चा जिसने ऑरेंज बॉल चूज करी और ऑरेंज निकाल भी ली। फाइनली हमको हमारा विनर मिला और उसके बाद चल दिए हम बाहर छल्ले वाला गेम खेलने, जहां हमारे साथी ने बोला भैया छल्ला जाए लेकिन खाना ना जाए। देखिए खाना खाते खाते भाई ने पूरा गेम खेला और साबुन भी निकाल लिया। इसके बाद मेरे दोस्तों ने कोशिश तो की छल्ला बजाने की लेकिन मेरा सर ही फोड़ दिया उन्होंने, और इस बात की उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। इसके बाद मैंने खेला चाबी वाला गेम, बॉल फेंक ग्लास तोड़ गेम, लेकिन इन सब में मैं हार गया। तो मैं सोचा अब थोड़ा फन किया जाए, इसलिए मैं गया कूदम कुदाई खेलने। लेकिन वजन ज़्यादा होने के कारण भैया ने पर्याप्त मुझे वहाँ से भगा दिया। अब बेइज्जती की बात, हम सोचे अब और ना खेलेंगे तो हम चले गए शॉपिंग करने, जहाँ हमने देखा प्यूमा की क्रॉक्स बिक रही थी दोस्तों। तो हमने सोचा ये छोड़ के हम चप्पल ले लेते, फिर ध्यान आया मम्मी इसी से हमको मारेगी। तो ये आइडिया ड्रॉप किया और हम चले गए घड़ियों के स्टॉल पर, जहाँ बहुत शानदार घड़ियाँ थी, एक से बढ़कर एक सारी वैरायटी की घड़ियाँ उपलब्ध थी। पर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई स्पीकर क्यों भेज रहा था घड़ियों के साथ, पर ठीक है। फिर मेरी दोस्त गई, उसने अंगूठी उठाई, पहनी, ट्राई की और लेकर भाग गई। फिर दीदी ने हमको एक ऑफर दिया, दो लिपस्टिक के एक मस्कारा फ्री। तो हमने फ्री का मस्कारा तो रख लिया, बोला लिपस्टिक का हम क्या ही करें। तो दीदी ने सिर्फ इतना बोला कि मस्कारे का भी क्या ही करेगा बे। बात तो उनकी सही, गाली खाने का समय आ चुका था अब खाना खाने का। उसके बाद हम पहुंच गए सोना चाय के स्टॉल पे, जो पहले दिन से ही सबको फ्री चाय प्रोवाइड करा रहे थे, उनकी थोड़ी सी सहायता की और हम वहां से निकल गए पप्पा के दर्शन करने।